दोस्तों आज की वीडियो में हम हरियाणा सरकार की महत्वपूर्ण पांच ऐसी योजनाओं को लेकर आए हैं जो कि दोस्तों आप सभी के लिए अभी भी चली हुई हैं, यानी कि आप इनका लाभ आज भी ले सकते हैं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं दोस्तों जो सबसे अधिक आपके लिए बहुत ज़रूरी ये वीडियो है, आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। हर एक योजना को विस्तार से समझेंगे, साथ के साथ आपको प्रूफ भी देंगे और साथ के साथ हम आपको मुख्यमंत्री के स्वयं मौखिक रूप से भी उनके बारे में सुनाएंगे कि सरकार ने पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर 50 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, जिनकी परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को भी हमने हैप्पी कार्ड 1,80,000 रुपए से कम है, जितना यूनिट वो खर्च करेगा उतने यूनिट का ही बिल उसका आएगा। गरीब परिवार हैं जिनकी 1,80,000 रुपए से कम इनकम, छतों के ऊपर हम एक सोलर पैनल 60,000 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार देगी और 40,000 रुपए की सब्सिडी प्रदेश सरकार देगी, उसका बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 30 गज के प्लाट को 100 गज का प्लाट, 50 गज का प्लाट कान बना करके देने का कार्य करे। आज आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, जय हिंद जय भारत। एक एक योजना पर चर्चा की जाएगी और दोस्तों शुरुआत हम जिससे करेंगे वो तो धमाकेदार योजना है ही, और जो पांचवी योजना है वो भी आपके लिए सबसे जरूरी योजना है जिसको आपने सुनना चाहिए। अगर आप हरियाणा से हैं तो आज की जो वीडियो है उसको गौर से समझिएगा और हम चुनिंदा आपके लिए सब योजनाओं को, वैसे तो दोस्तों हरियाणा में करीबन 15 से 20 ऐसी योजनाएं हैं जो कि अभी भी चली हुई हैं, लेकिन दोस्तों हमने उन पर सभी पर चर्चा की और एक आपके लिए अलग से स्क्रिप्ट तैयार की, और उसके बावजूद दोस्तों हम आपके लिए जो योजनाएं लेकर आए हैं वो सब चुनिंदा हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर दोगे, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहली योजना आपके सामने है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। जी हाँ दोस्तों, आवास योजना का विस्तार ये ग्रामीण जो पोर्टल है अभी ओपन किया हुआ है, यहाँ पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास जो ब्लू पट्टी है इस पर क्लिक करके दोस्तों आप आवास योजना का आवेदन अभी भी कर सकते हैं। और आपकी जो लिस्ट है ग्राम पंचायत लिस्ट, ये जो ग्रीन आपको लाइनिंग नजर आ रही है, यहाँ पर जल्द से जल्द 30/9/2024 तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास आपका परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। और दोस्तों एक वीडियो लेकर आऊँगा इसके ऊपर, 100 वर्ग गज और जो 50 वर्ग गज हैं महागांव और गांव में, यानी कि गांव जो छोटे गांव हैं वहां पर 100 गज प्लाट कटने हैं और जो महागांव हैं उस पर 50 गज के प्लाट कटने हैं आने वाले टाइम में, अगर सरकार आती है तो दोस्तों। बाकी दोस्तों आपके हाथ में है सब कुछ, जो भी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा उसको मौखिक रूप से भी सुनाया जाएगा। तो दोस्तों ग्रामीण आवास योजना विस्तार अब ये आवेदन शुरू हैं, लेकिन पीछे आवास योजना के अंतर्गत शहरी के अंतर्गत जो 50,000 के करीब प्लस 15,520 ऐसे लोग थे जिनको 30-30 गज के प्लाट जो बांटे गए उनके प्रमाण पत्र भी उनको दिए गए। दोस्तों अब हरियाणा सरकार का कहना है कि 15,000 और नए लाभार्थी होंगे जिनको हम 100-100 वर्ग गज के प्लाट के साथ साथ 50 वर्ग गज के प्लाट देंगे, जो महागांव हैं उनको 50 गज। और अब आप ये क्लिप सुनिए मुख्यमंत्री साहब के मौखिक रूप से, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। भाइयों मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने, चाहे गरीब व्यक्ति है उस गरीब व्यक्ति को हमने मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 30-30 गज के प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने शहरों के अंदर किया। ऐसे प्रथम चरण के अंदर हमने सबसे पहले पीछे मैंने कार्यक्रम किया था रोहतक के अंदर, और उस कार्यक्रम के अंदर 15,420 लोगों को हमने ये 30-30 गज के प्लाट के जो
वो उनको पत्थर है वो सौंपने का काम हमने किया था। और अभी हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारी सरकार जो गांव के अंदर जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास जमीन नहीं है उसको 100 गज का प्लाट, और जो व्यक्ति महाग्राम के अंदर रहता है बड़े गांव के अंदर रहता है उसको 50 गज का प्लाट, उसके लिए भी हमने एक रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी है और लोग उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऐसे लोगों को हम 100 गज का प्लाट और 50 गज का प्लाट भी शीघ्र ही देने का काम करेंगे ताकि वो अपना मकान बना सके। दोस्तों आपने सब कुछ सुन ही लिया, अब आगे आगे आपको ये जो योजना है आवेदन, यहाँ से आप फैमिली आईडी जैसे ही एंटर करेंगे, हमने एक वीडियो आई बटन के साथ डिस्क्रिप्शन में दी है, उस डिस्क्रिप्शन वाली बॉक्स पे जाएंगे आप, डिस्क्रिप्शन में जाते ही वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो देख लीजिएगा, कंप्लीट हमने डाली हुई है कि आवेदन करते समय क्या क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे आवेदन करना है। अब दोस्तों हम आपको पहली ये योजना बता चुके हैं, अब बात कर लेते हैं हम दूसरी योजना की, और वो है दोस्तों हरियाणा सरकार की epds.haryanafood.gov.in, हरियाणा सरकार की हर घर हर गृहिणी योजना, हर घर हर गृहिणी स्कीम, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी भी ओपन है, यहां से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, परिवार पहचान पत्र डाल के ये कैप्चा डाल के आप सेंड ओटीपी वगैरह करके इसका पंजीकरण आप कर सकते हैं। दोस्तों हर घर हर गृहिणी योजना आपको 500 रुपये में गैस सिलेंडर आपका भरना है, और आपको जो सब्सिडी है वो महिला के खाते में जाएगी, और जिस भी महिला के नाम पर गैस सिलेंडर है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मौखिक रूप से सुनना चाहेंगे तो वो भी हम आपके लिए दिखा देंगे। वो उससे पहले दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि 49 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको ये गैस कनेक्शन मिलने वाला है, यानी कि 500 रुपये में आपका जो गैस कनेक्शन है वो भरा जाएगा, साथ के साथ जो सब्सिडी है वो आपकी आपके महिला के खाते में जाएगी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका फैमिली आईडी में खाता यानी कि अकाउंट वेरीफाइड और लिंक होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो लिंक होना, उसके बाद वेरीफाई आप सरल के माध्यम से करवा सकते हैं, उसकी भी हमने एक वीडियो डाली थी, आप जैसे ही YouTube पर सर्च करेंगे कि फैमिली आईडी का बैंक अकाउंट वेरीफाई कैसे करें सरल हरियाणा धक्कड़ जानकारी, तो आपके लिए वो वीडियो हाजिर हो जाएगी, तो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा तो आपको एक योजना नहीं दोस्तों अपितु जितनी भी योजनाएं हरियाणा सरकार आगे आगे आपको देने वाली है उन सभी का लाभ होगा। अभी पिछले दिनों तीज का महापर्व था, और तीज के महापर्व के अवसर के ऊपर 49 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। उन परिवारों को सब्सिडी के ऊपर ये गैस का सिलेंडर मिले और उसकी सब्सिडी वो हरियाणा सरकार देने का काम करेगी, ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया। ये थी दूसरी बड़ी योजना। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरी योजना की। तीसरी योजना दोस्तों आपके लिए है, वो है वो हरियाणा सरकार की। दोस्तों अभी भी आप इसका पंजीकरण कर सकते हैं, यानी कि हैप्पी कार्ड। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपये से कम है, यानी कि दोस्तों आपने वीडियो क्लिप साथ के साथ आप देख पा रहे होंगे, अब इसकी भी वीडियो क्लिप मैं दिखा देता हूं, और 23 लाख ऐसे परिवार हैं, 23 लाख 84 लाख ऐसे लोग हैं जो कि इसका लाभ ले चुके हैं, और उनके लिए ये पोर्टल अभी भी ओपन है। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पीपीपी संख्या वगैरह डाल के, कैप्चा वगैरह डाल के आप आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। आप सुनिए ये वीडियो क्लिप। जिनकी परिवारों की इनकम 1 लाख रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को भी हमने हैप्पी कार्ड हरियाणा परिवहन परिवहन अंत्योदय परिवहन परिवार योजना के माध्यम से हमने उनको 1000 किलोमीटर का 1 साल के अंदर वो बस में फ्री में सफर कर सके, वो भी कार्ड हमने देने का काम किया है ताकि गरीब व्यक्ति को
कोई सामान लेने के लिए बाजार जाना है, दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाना है, या उसने कहीं अपनी रिश्तेदारी में जाना है, या कहीं धार्मिक स्थल के ऊपर घूमने के लिए जाना है, तो उसको कोई किराया ना लगे, उसके लिए भी लगभग ये 23 लाख परिवार और 84 लाख लोग हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जिनको हमने 1000 किलोमीटर की ये सुविधा दी है। तो दोस्तों ये थी तीसरी बड़ी योजना। अब जो चौथी योजना है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, और वो है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था दोस्तों पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जी हाँ दोस्तों, अब इसका मैं आपको जो स्ट्रक्चर है और जो आपको इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो तो आप इस वेबसाइट पर आकर दोस्तों कर ही सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि सोलर जो सिस्टम है वो 60,000 रुपया सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी आपको। जी हाँ दोस्तों, 60,000 रुपया सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जानी है, और जो 40,000 रुपया सब्सिडी बाकी बची है वो स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट की है कि वो 40% जो सब्सिडी है वो खुद पे करेगी, यानी कि जीरो इन्वेस्टमेंट में आपका जो सोलर सिस्टम है, सोलर पैनल आपकी घर की छतों पर लगेगा, और आप उसको रूफ टॉप सिस्टम भी बोलते हैं, जैसे ही वो इंस्टॉल होगा तो 300 यूनिट तक आपकी जो बिजली है वो भी फ्री हो जाएगी, यानी कि कहीं पर घूमने वगैरह चले जाते हैं तो आपका बिजली का बिल है वो भी जीरो कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ सरचार्ज वगैरह जो है वो भी आपका माफ़ किया हुआ है। आप ये सब जो हमने बोला है वो स्वयं मुख्यमंत्री जी आपके लिए क्या पेश कर रहे हैं आप सुन सकते हैं। जिनकी 1,80,000 रुपए से कम इनकम है ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर हम एक सोलर पैनल लगाने का काम करेंगे, और उस सोलर पैनल के माध्यम से 60,000 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार देगी और 40,000 रुपए की सब्सिडी प्रदेश सरकार देगी। उसके ऊपर 1,00,000 रुपए का खर्चा है, और फ्री में वो व्यक्ति के घर के ऊपर वो सोलर पैनल लगेगा, और जब वो सोलर पैनल लगेगा तो उसका बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा, उसको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। ये हमारी सरकार ने, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन हो गया था और रजिस्ट्रेशन के बाद हम इस योजना का शुभारंभ कल कैथल से कर रहे हैं, और कैथल के अंदर ये कल से लगना छतों के ऊपर शुरू हो जाए। अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर, यहाँ से आप दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम अंतिम जो हमारी धमाकेदार योजना है उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलेंगे, क्योंकि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टेप 1, स्टेप 2, यहाँ पर जो जो भी इन्होंने दिया हुआ है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और आप यहाँ पर स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6, स्टेप 6 तक ये स्टेप्स हैं, यानी कि आप इनको जैसे ही फॉलो करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्टेक्ट अस में आप इनके साथ बात भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम करते हैं पांचवी बड़ी योजना की बात, और वो है दोस्तों, तो दोस्तों पांचवी जो योजना है वो भी दोस्तों आपके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। यहाँ पर आपकी जो कंफ्यूजन है वो भी हम मिटाएंगे। ग्रामीण आवास योजना है, अब नाम से आप यहाँ पर कंफ्यूज होते होंगे कि ये जो फॉर्म अभी फिलअप किए जा रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही आप अपना पंजीकरण करेंगे तो न तो आपसे अकाउंट नंबर मांगा जाता है और न ही आपसे कोई अन्य जानकारी, कोई आधार कार्ड या कोई राशन कार्ड, कुछ भी आपसे नहीं मांगा जाता है। सिर्फ यहाँ पर आप अपनी पीपीपी संख्या को एंटर करके ग्राम पंचायत लिस्टेड होनी चाहिए। जैसे ही लिस्टेड होगी आपके मेंबर आउट होंगे, मेंबर आउट होते ही आप अपना मेंबर को चयन करके नीचे 100 वर्ग गज प्लाट आ जाएगा, और आप उस पर टिक मार्क ऑलरेडी होगा, आप टर्म को एक्सेप्ट करके सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इतना सा फॉर्म है दोस्तों, लेकिन ये जानकारी आपसे इसीलिए नहीं मांगी जा रही क्योंकि हमने एक वीडियो डाली है 3-in-1। ये योजना दोस्तों 3-in-1 क्यों है उसमें मैंने आपको वैसे तो क्लियर से समझा दिया है,
वो अभी पीछे ही हमने वीडियो डाली थी, उसका लिंक तो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। पर दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि ये 3-in-1 कैसे है। यही आपका प्लाट का 100 वर्ग गज के प्लाट हो सकते हैं, यही आपका 1-1 लाख रुपया जो आपके खाते में आना है, यही फॉर्म आपके आवास योजना यानी के कॉलोनी जिसको हम बोलते हैं और आवास योजना का हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जो भी पात्र परिवार होंगे, जिस भी यानी के जिस भी योजना के वो पात्र होंगे वही योजना उसको दी जाएगी। जैसे कि पीछे दोस्तों जितने भी दोस्तों 15,520 ऐसे लोग थे जिनको 30-30 गज प्लाट के जो पत्र थे आवंटित किए गए, उसके साथ साथ दोस्तों शहरी आवास योजना उनको भी जो है प्लॉट और जो फ्लैट है वो सुविधा दी गई। अब दोस्तों ये तो आपको डिसाइड नहीं करना है, ये हरियाणा सरकार डिसाइड करेगी कि किसको किस योजना का लाभ देना है, यानी कि किसको प्लाट देना है और किसको आवास योजना का लाभ देना है। दोस्तों आपको प्लॉट के साथ जो 1 लाख रुपया है वो कैसे मिलेगा, वो जैसे कि दोस्तों आपके गांव में खाली ज़मीन नहीं हुई, यानी कि आपके गांव में अब जैसे शहर में किया था वैसे ही दोस्तों शहर वालों को 1-1 लाख रुपया कैसे डाला गया, यानी कि MC से कंफर्म किया गया कि वहां पर प्लाट जो है खाली नहीं है, उस शहर में उस पर्टिकुलर एक शहर में जो ज़मीन खाली नहीं है तो उसके स्थान पर जिनको 100 वर्ग गज 30-30 वर्ग गज या फिर 50 वर्ग गज का प्लाट जो है देना था उसके स्थान पर हरियाणा सरकार ने 1-1 लाख रुपया डालने का काम पीछे किया है। और आगे भी जितने भी बचे हुए शहर हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन डिस्ट्रिक्ट्स को भी इसी प्रकार सेम ये योजना लाई गई है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आए, और अगर कोई चेंजेस आया तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों 5 योजनाएं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कमेंट ज़रूर कर देना, भले ही आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई क्वेरीज हो या फिर इन योजनाओं में कुछ भी ऐसी आपके मन में बात आ रही है तो बेझिझक आप छोटे भाई को आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों जाते जाते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और जो कल वाली यानी कि पीछे जो हमने वीडियो डाली थी वो राइट साइड में अभी ये वीडियो जो आई है इस पर क्लिक कर लीजिए, और जाते जाते अपना प्यार दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने भाई बहनों सभी जगह पर। आज की वीडियो में इतना ही।